कुलधरा गांव का खौफनाक इतिहास यह बताता है कि ये गांव हजारों आत्माओं वाला श्रापित गांव है। दशकों से इस गांव में कोई नहीं रहता। इस गांव के मंदिर में भी भगवान नहीं है। कहते हैं इस गांव में 1000 आत्माओं का निवास है। आज से लगभग 200 साल पहले रातों रात हजारों लोग गायब हो गए थे इस गांव से। गांव के लोग कहां गए यह आज भी एक रहस्य है। इस गांव के स्थानीय लोग भी यहां आने से डरते हैं। भारत के राजस्थान के जैसलमेर में स्थित ये गांव कई रहस्यमय घटनाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। ये बात 19वीं शताब्दी की है। यहां समृद्ध पालीवाल ब्राह्मण समुदाय के लोग रहते थे। जैसलमेर के तत्कालीन दीवान सलीम सिंह बहुत ही क्रूर थे। सलीम सिंह की नज़र कुलधरा के ही एक पुजारी की बेटी पर थी। सलीम सिंह उसे पाने के लिए बेचैन था। एक दिन सलीम सिंह कुलधरा गांव आया। उसने गांव वालों से कहा कि पुजारी की बेटी से उसे शादी करा दे। गांव वाले ने ऐसा कराने से मना कर दिया। तब सलीम सिंह ने उन्हें धमकी दी कि वो गांव पर आक्रमण करके उसे तबाह कर देगा। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी लड़की के सम्मान की रक्षा के लिए ये फैसला लिया कि वो गांव छोड़ के चले जाएंगे और रातों रात उन्होंने गांव खाली कर दिया। लोक कथा के अनुसार पालीवाल ब्राह्मणों ने जाते जाते इस जगह को श्राप दे दिया था कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। तब से ये जगह वीरान पड़ी हुई है। गांव के लोग कहाँ गए और कैसे गए ये बात आज तक एक रहस्य बनी हुई है। कुलधरा पिछले कई दशकों से एक पुरातात्विक स्थल है और यहाँ दिन के समय काफी पर्यटक आते हैं। यहाँ आए कई पर्यटकों को अजीबोगरीब एहसास भी होता है। रात में इस जगह पर पर्यटकों को रुकने की इजाजत नहीं है। कुलधरा में कुल 970 मकान थे जो खंडर में तब्दील हो चुके हैं और उस दौर के आलीशान मकानों की गवाही दे रहे हैं। पालीवाल ब्राह्मणों को वास्तुशास्त्र वेद और शास्त्रों का भरपूर ज्ञान था। ये ऐतिहासिक तौर पर सच है कि कुलधरा पालीवाल ब्राह्मण बेहद अमीर और सशक्त थे। यहाँ के मकान वैज्ञानिक तरीकों से बनाए गए हैं। गर्मी के समय भी इनके घर ठंडे ही रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।